ड्रोन भी ले लिया है और देखो सब सामान ले लिया है, बस गाड़ी छोटी है लेकिन साउंड मोटा, मतलब रिश्तेदारी है इधर उधर है ना। ये देखो ऊपर, अब आपको व्यू दिखाता हूँ, आप एक बार व्यू देखो। तो गाइज मैं अब पहुंचा हूँ मेले में। हे गाइज वेलकम बैक योर चैनल जितेंद्र डूडू ब्लॉग्स, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी आज का प्लान है यार, काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं आईफोन यूज़ करने लगा हूँ ना, तब से जो ड्रोन सूट है और बाकी जो भी कैमरेज है उनका यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो मैंने सोचा आज कहीं घूम भी लेते हैं और आपको ड्रोन के थोड़े बहुत सूट भी दिखा देते हैं। तो आज मैं जाने वाला हूँ, देखो मेरा प्लान ना मेला है आज हमारे यहाँ पे कदम सरोवर में, तो वहाँ पे भी जाएंगे। और सेकंड है ना थोड़ा ड्रोन के सूट दिखाने के लिए सांबर लेक, वहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो व्लॉग में बने रहना एंड तक, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आपको ड्रोन सूट देखने को मिलेंगे। और भाई काफ़ी दिन से उड़ाऊंगा, आज मान लो कि 2 महीने हो गए मेरे को ड्रोन को यूज़ किए हुए। लास्ट जो कैमरा यूज़ करता ना तब किया था, बाकी अब छोड़ दिया जब से आईफोन पे शिफ्ट हूँ, लेकिन उसको यूज़ करेंगे। और बाकी और भी इन फ्यूचर प्लान है मेरा, और प्लान तो बता देता हूँ वो, मतलब जो आपने देखा हो तो 360 वीडियोज़ होते हैं ना उनका भी, तो वो भी बहुत जल्द अप्लाई करूँगा मैं मेरे ब्लॉग में। भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब चलते हैं, और घर से कोई नहीं जा रहा है, बाहर से फ्रेंड लोगों के साथ में घूमेंगे, तो अभी तो निकलते हैं। इस अभी घर से निकल चुका हूँ, मैंने ड्रोन भी ले लिया है और देखो सब सामान ले लिए हैं। बस प्लान है आज का ड्रोन उड़ाने का, और मौसम भी बाहर देख सकते हो किस तरीके का हो गया है, और काफ़ी काम है आज मेरे को, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा आज ड्रोन के सूट देखना बस। और वो जो हनुमान जी लिए थे ना हमने, उनको देखो कैसे झूल रहे हैं, मैंने बोला था ना ये गाड़ी के साथ ट्रेवल भी कर लेंगे और आराम से मस्त उड़ते भी रहेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी खड़े हैं हम रेलवे फाटक पे, और अभी फाटक की जो दोस्ती है ना रेल से वो निभा रहे हैं, वो निभा के फिर जाएंगे। अभी फाटक ऑफ है और फिर चलेंगे। और बाकी मेरे को ना ये भी लगवाना है यार, और घूमने जाने का प्लान तो पता नहीं अब होगा या नहीं होगा यार, क्योंकि मैं लेट हो गया अभी है ना, मेरे को 4 बजने वाले हैं यहाँ पे, 4 बजने वाले हैं सर, बिल्कुल 4 बजने वाले। हाँ, और अनिल डॉक्टर साहब हमारे साथ है, तो अभी तो फुलेरा में कुछ काम है वो करके ड्रोन उड़ाने का प्लान है ना मेले के अंदर है, तो मेला शाम को शायद ज्यादा भीड़ लगती है, कदम सरोवर मेला ज्यादा भीड़ लगती है शाम को ज्यादा लगती है, तो शाम को चलेंगे वहाँ पे। और घर से है ना किसी ना किसी को लेके आएंगे यार, अकेले अकेले से घूमेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये आ गई ट्रेन, अभी रुका हूँ यहाँ पे ये साउंड लगवाने के लिए। और आज सभी दुकानें बंद है बिकॉज आज है ना वो कौन से बोलते हैं हरियाली माउस, इसलिए सभी दुकानें बंद है। तो यार मेरे को एक दुकान मिली है यहाँ, कुमाऊत इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, यहाँ पे आके लगवा रहा हूँ मेरी 8x8 फरारी है ना, देखना। और भाई यहाँ वो देखो बंदे वाला जिसे मैं ये भी लेके आया था, लग रहा है ना क्यूट गाइस, ये भैया तो लगा रहे हैं ये, और देखो भाई अब आएगा ना साउंड का मजा, गाड़ी छोटी लेकिन साउंड मोटा। और भैया इधर से लगा रहे हैं, अब कर रहे हैं इनकी वायरिंग वगैरह कनेक्शन। और तब तक मैंने ना यहाँ पे एक फास्ट फूड की शॉप है, तो मैंने भैया को ऑर्डर दिया है कि भैया आप है ना हमारे लिए बना दो। और भाई देखो फास्ट फूड पे हमारे यहाँ फोटोकॉपी की जाती है, वैसे सच में की जाती है। हाँ यार उधर से मतलब रिश्तेदारी है इधर उधर है ना। ओ भैया मैं इन्हीं से लगवा रहा हूँ, अभी बनवा रहा हूँ मैं सैंडविच, और ये खाएंगे मैं और अनिल जी, खाओगे ना? बिल्कुल खाएंगे सर। और देखो भाई क्या सीन है क्या नहीं है, आज तो शाम को मेले में घूमना है, तो सीन अच्छा ही है, अभी बने रहो थोड़ा सा वेट कर लो यार आप लोग। तो गाइस अपनी सैंडविच आ चुकी है, और इधर अनिल जी की, ये खाते हैं और फिर भैया लग रहा है देखो वो रही कार अपनी वहाँ पे है, वहाँ पे तो वो करते हैं कंप्लीट, उसके बाद में हम चलते हैं। तो गाइस मैं वहाँ से इसमें साउंड लगवा के है ना सीधा निकल गया, और अब आके यहाँ पे तो लोकेशन इस तरीके की, और अब मेरे को इधर जाना है थोड़ा सा, यहाँ पे दोस्त लोग हैं तो उनके साथ वीडियोज वगैरह बनाने, फिर जाएंगे यहाँ पे ड्रोन उठा के फिर। और मैं गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ जाएगी नहीं, और उनको बोल दिया है वो कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया भाई, यहाँ आके शूट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी पहुँच चुका हूँ और अब ड्रोन उड़ा रहा हूँ, ये देखो ऊपर, अब आपको व्यू दिखाता हूँ, आप एक बार व्यू देखो। और देखो इधर की लोकेशन का व्यू है ना काफ़ी शानदार आने वाला है, देखो क्या लोकेशन है ना, देखो अभी उड़ाता हूँ और फिर आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। भाई अभी वहाँ से तो रवाना हो गया हूँ वापस, और अभी जा रहा हूँ मैं घर के लिए, और भाई घर जाके है ना फिर आऊँगा मैं मेले के लिए, बिकॉज ये है ना बुचकी पता नहीं कहाँ वहाँ जा पाएगी नहीं जा पाएगी, मेरे लिए वो बिल्कुल न्यू है और मैं ड्राइवर इतना पक्का हूँ नहीं, अभी 2 दिन का ड्राइवर हूँ, तो पता नहीं इसको मैं वहाँ पे होल्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो भाई वहाँ से घर से बाइक लेके आना पड़ेगा, और अभी मैं जा रहा हूँ भाई, इतने हाल खराब हो गए आज के दिन में पूछो मत, ऐसा दिन का पता ही नहीं लग रहा कहाँ गया दिन। और अभी चलते हैं घर जल्दी से, और फिर लेके आते हैं बाइक और पापा को साथ लेके आऊँगा फिर, ऐसे करेंगे। और हनुमान जी क्या हाल चाल है आपके, मस्त मजे हो रहे हैं भाई, आज का दिन कहाँ गया हनुमान जी मेरा, बताओ ना यार थोड़ा सा।
ये एंट्री गेट है और देखो एंट्री गेट पे लाइटिंग कर रखी है, बाकी अब अंदर चलते हैं। तो गाइज मैं अब पहुंचा हूँ मेले में और भाई यहाँ मेला है ना खत्म हो चुका है। और गाइज आज के लिए यार सॉरी मैं काफी लेट हो गया, बाकी देखो मेरे को लाइटों का शौक है और मैं लाइटों में आया हूँ। अब आप थोड़ी बहुत यहाँ की लाइटें देखो और मैं बताता हूँ आपको कुछ कुछ यहाँ के मेन पॉइंट जिनकी वजह से ये प्रसिद्ध है। और बाकी आप देख सकते हो चारों ओर लाइटों से अब सजा है थोड़ा सा। बाकी मेला है ना बच्चा एक भी नहीं है भाई, अभी सब चले गए हैं यहाँ से, एक मैं बचा हूँ और मम्मा पापा बचे। और बाकी यहाँ पे है ना शाम को भजन वगैरह होंगे, संध्या आरती वगैरह सब होगी, लेकिन अब है ना मैं काफ़ी लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं आज थोड़ा सा यार उलझ गया। बाकी आप समझ सकते हो थोड़ी सी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो आप लोग थोड़ा सा यार ऐसा मत बोलना कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई आप मेले का वीडियो बनाना, तो भाई आपके खातिर ना मैं आया जरूर हूँ। और अब दिखाता हूँ मैं आप, यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है ना ये कदम के पेड़ है और यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कदम का पेड़ आसपास में नहीं है। और देखो आज इनकी पूजा भी हुई थी चारों ओर मोलियाँ बांध रखी है। और आई एम सो सॉरी गाइज, मैं अगेन सॉरी मांग रहा हूँ, मैं काफ़ी लेट हो गया उसके लिए। बाकी देख सकते हो आप, और इधर ये घाट है तो ये है ना पुरुष घाट है, बच्चों को दूर रखें, काफ़ी मस्त वाला था। यहाँ पे काफ़ी लोग आज दिन में नहा भी रहे थे और भाई मैं लेट हो गया उसके लिए सॉरी यार, अब मैं कितनी बार माफ़ी मांगू बट मुझे बुरा लग रहा है भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे थे और मैं आता तो कितना मज़ा आता भाई, नहाता नहीं तो भी वीडियो तो बनाता ना और ड्रोन भी उठाता, लेकिन इश्यूज़ समझ सकते हो आप। देखो भाई किस तरीके से लाइटों से चमाचम कर रखे हैं। और यहाँ पे पूजा हुई थी इन कदमों की, ऐसे ही देख रहे हो ये मंदिर है, मंदिर में आज लाइटों से सजावट कर रखी है। आज रात को ना यहाँ पे भजन वगैरह होंगे, तो पहले मंदिर में चलाते हैं। जय हो। देख सकते हो आप मंदिर को कुछ अंदर से इस तरीके से सजा रखा है। और आज मैं पहली बार आया हूँ, ओनली फॉर पहली बार रियलिटी के अंदर, मेरे पास होते हुए भी मैं आज तक यहाँ पे नहीं आया। भगवान मेरे पुष्प को अर्पण करो, हे भगवान मेरे पुष्प अर्पण और मुझे जो चाहिए वो आप समझते हो। बस मंदिर से आरती वगैरह तो करके मैं बाहर आ गया हूँ और अब आप थोड़ा बाहर का दृश्य देख लो। बस मैं ना एंडिंग होने पाया हूँ मेले की। और भाई मेला तो हर कोई देख लेता है, मेला एंडिंग होने के बाद नज़ारा देखो किस तरीके का रहता है। वहाँ पे भोले शिव जी का भी मंदिर है और मम्मा और सिस्टर आई थी साथ में, भाई रात को आने का मज़ा अलग ही है। कभी है ना मेला ख़त्म होने के बाद भी आके देखना यहाँ पे। गाइस देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे कर रखा है। और भाई अब है ना मैं यहाँ से जाता हूँ और आई होप आपने थोड़ा बहुत जो देखा आरती देखी उससे आपका दिल शांत हुआ होगा। और भाई उसके लिए सॉरी, मैं यहाँ भाई क्या बोलूँ, कुछ ही सॉरी वोरी नहीं है, बस आप इतने में संतुष्टि कर लो और मेरे YouTube फैमिली आप हो ही इतनी खतरनाक ही, इतनी में आप संतुष्ट कर लोगे। बाकी है ना मैं मिस कर दिया उसके लिए, मैं खुद भी पछता रहा हूँ कि मैंने मिस कर दिया। अभी चलते हैं घर। और भाई यहाँ का मेन पॉइंट है ना कदम पेड़ यहीं पे है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट तो यही है। और यहाँ पे है ना कदम भगवान की पूजा होती है। बाकी अंदर आपने मूर्ति देखी होगी राधा कृष्ण की थी, तो अब घर चलते हैं और फिर इस ब्लॉग को देखते हैं आगे कब तक कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइज अभी अभी मैं रास्ता भूल गया था और भाई यहाँ है ना खेत ही खेत चारों और ऐसे छोटी छोटी गेलियाँ इनमें भाई कंफ्यूज हो गया। फिर ये तो मम्मा ने बताया कि इस तरफ देख ले, ये है ना ये सूत ताकना, सूत ताक के ऐसा आया हूँ भाई, लेकिन अब कोई नहीं अब चलते हैं भाई। गाइज पापा गए थे पहले मेले में, अभी मैं घर आ चुका हूँ, तो पापा लेके आए हैं ये कदम। और ये मान्यता है कि मेले में जाते हैं ना वो कदम लेके आते हैं, तो मेरे पापा ले आए थे, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं थी। यार फैमिली आज के लिए सॉरी, अब देखो रात के 11 भी बज गए, अब मेरे को एडिटिंग भी करनी है और फिर सोना भी है। पहले ड्रोन सूट निकाल लें, मैंने थोड़े से निकाले हैं, आज ड्रोन सूट भी अच्छे नहीं रहे बिकॉज इसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। और सेकंड में मेला भी अच्छे से नहीं दिखा पाया, उसकी वजह थी मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो भाई फिर भी आपने ब्लॉग को पसंद किया होगा, पसंद किया है तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अभी मैं एडिटिंग करने के लिए रेडी हो रहा हूँ रात के 11 बजे, अब एडिटिंग में लगेंगे मुझे पता नहीं कितने बजे, मैं अब करता हूँ एडिटिंग। गुड नाइट सभी को, थैंक यू यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, बाय बाय, कल मिलेंगे सुबह 8:15 पे।